प्रेरणा कथा, अपनी बुराई स्वयं करना। श्री गुरु नानक देव जी प्रतिदिन बहुत से लोगों से मिला करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे और जहाँ तक हो सकता उनके समाधान भी बता देते थे। वो अपने शिष्यों से आध्यात्मिक चर्चा भी करते रहते थे। एक दिन एक डाकू उनके पास आया और आते ही गुरु साहब के चरणों में गिर गया। गुरु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हो चुका हूँ। मैं एक डाकू हूँ और लोगों को लूटना ही मेरा पेशा है, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मेरा उद्धार कर दीजिए गुरु जी। गुरु नानक देव जी ने कहा, चलो उठो और हमारी बात सुनो। तुम आज से ही चोरी डकैती छोड़ दो। इसके लिए तुमको झूठ बोलना भी छोड़ना होगा। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। डाकू ने उठकर गुरु जी को बहुत ही आदर से प्रणाम किया और चला गया। कुछ दिनों के बाद वो डाकू फिर से वापस गुरु जी के पास आया और बोला, गुरु जी, मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं झूठ ना बोलूं और चोरी डकैती छोड़ दूं, पर कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं बदल सका गुरु जी, आप ही कुछ बताइए कि अब मैं क्या करूं। गुरु जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम चोरी डकैती करते रहो, परंतु ऐसा करो कि शाम को अपने कर्मों का बखान सबके सामने कर दिया करो। शाम को सबको बता दिया करो कि तुमने कितनी चोरियां की और कहां डकैती की, सब कुछ सत्य बता दो। डाकू ने सोचा कि यह तो आसान काम था। वो खुश होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों तक वो गुरु नानक देव जी के पास वापस नहीं आया। दूसरी तरफ चोर बहुत ही परेशानी में था। वो दिन भर चोरी डकैती करता था, पर जैसे ही लोगों को अपने कर्मों के बारे में बताने का प्रयास करता, उसको बहुत ही संकोच होता और वो कुछ नहीं कह पाता था। उसको अपने कर्मों के बारे में बताने में सोचकर ही आत्मग्लानी होने लगती थी। उसने बहुत प्रयास किए कि लोगों को बता दे कि वो एक डाकू एक चोर था, पर नहीं बता सका। अंत में बहुत ही निराश होकर वो एक दिन फिर से गुरु नानक देव जी के पास आ गया। उसने गुरु जी से कहा, महाराज, मैंने तो सोचा था कि चोरी डकैती करके उनके बारे में लोगों को बताना तो बहुत ही आसान काम होगा, परंतु वो तो बहुत ही कठिन काम था। लोगों के सामने अपनी बुराइयों के बारे में बताने में मुझे लज्जा आती है। मैं लोगों को नहीं बता सकता कि मैं चोर हूँ, एक डाकू हूँ। अपनी बुराइयाँ स्वीकारना इतना आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। मैंने अब चोरी डकैती छोड़ दी है और मैं पूर्ण रूप से सुधर गया हूँ। गुरु साहब ने उसको आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि वो डाकू गुरु जी का शिष्य बनकर उनकी सेवा में ही समय बिताने लगा। मित्रों, सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी छोटा बड़ा कोई ना कोई बुरा काम करते ही हैं, परंतु शायद कोई एक आदि ऐसा होता है जो अपने बुरे कर्म को स्वीकार करने को तैयार होता है। औरों की गलतियां या बुराइयों के बारे में औरों को बताना बहुत आसान होता है, परंतु अपनी बुराइयों का बखान करना बहुत मुश्किल होता है। सार यह है कि कोई भी ऐसा काम नहीं ही ना करें जिसके बारे में औरों को बताते हुए आपको संकोच हो या लज्जा आए। अच्छे काम कीजिए और खुलकर सबको उनके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।